आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। आपको बताते चले कि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के साथ उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा में साथ रहे गोरखपुर के गगहा निवासी एडवोकेट सतीश कुमार गौतम व जितेंद्र कुमार वरिष्ठ नेता का यात्रा समाप्ति कर वापस आने पर चौरी चौरा शहीद स्थल पर पहुंचकर फूलमाला चढ़ाकर शहीदों को नमन किया। जयकारा करते हुए श्री गौतम का फूलमालाओं से भव्य स्वागत किया गया। स्वागत करने वालों में अजय, सत्य प्रकाश, चंदन चौरी चौरा शहीद स्थल पर उपस्थित रहे सतीश कुमार गौतम एडवोकेट ब्लॉक प्रभारी गगहा गोरखपुर, जितेंद्र कुमार न्याय पंचायत गगहा, प्रेम नारायण कांग्रेसी नेता, विजय मौर्य, दीप नारायण यादव, ओम प्रकाश मिश्र, सत्यनारायण यादव, राम कृपाल, अजय कुमार, माँ शक्ति यादव लोग मौजूद रहे। चौरी चौरा से गोरखपुर से न्यूज 9 भारत के लिए विनोद पासवान की रिपोर्ट। जी, आपका शुभ नाम? सतीश कुमार गौतम। सतीश जी, आज चौरी चौरा में आप आए हैं, आने का प्रयोजन क्या है और क्या संदेश देना चाहते हैं आए हैं तो? चौरी चौरा एक ऐतिहासिक स्थल है। जिस समय अंग्रेज हमारे देश में ज़्यादा अत्याचार कर दिए थे, उनको भगाने के लिए जो आंदोलन चौरी चौरा से किया गया था, उसी के तहत आज हमारा देश विकट परिस्थितियों से गुजर रहा है, जिसके चलते माननीय राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल यात्रा किया है, जिसमें हम लोग भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे। उनकी बातों को सुना, जनसंपर्क किया गया और ये पता चला कि हमारे देश में जो आम जनता है, जो मिडिल क्लास है, जो गरीब है, असहाय है, पूंजीपति और पूंजीपति होता चला जा रहा है, गरीब दम अत्यधिक गरीब होता चला जा रहा है, जिसके तहत माननीय राहुल गांधी जी ने ये कहा कि जब हमारा भारत जोड़ो यात्रा ख़त्म होगा तो हमारे जितने कांग्रेसी नेता होंगे, चाहे छोटे नेता हों चाहे बड़े नेता हों, हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम गांव-गांव जाकर ये संदेश पहुंचाएंगे कि भारत की जो विकट परिस्थितियां हैं, इसे बचाने के लिए सत्ताधारी तानाशाह जो सरकार चल रही है, इसको उखाड़ फेंकना है, जिसके तहत आज हम चौरी चौरा ऐतिहासिक स्थल से आंदोलन हाथ जोड़ो से हाथ जोड़ कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं, शुभारम्भ कर रहे हैं। और हम लोग घर घर जाएंगे, घर घर जाके सबको बताएंगे कि आज हमारे देश में कांग्रेस पार्टी की सख्त जरूरत है, राहुल गांधी जी की सख्त जरूरत है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ, छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगे इजाजत, नमस्कार।